आज जो देखा वो बस ट्रेलर था, खेल तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो दोस्तों 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 फाइनली 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 बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि जीत की आने वाली मच अवेटेड फिल्म चिंगेज का ट्रेलर जारी किया जा चुका है। इस बात की जानकारी के साथ कि भैया बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री का ये अश्वमेघ घोड़ा अकेले ही बॉक्स ऑफिस को हिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो भाई कैसा है चिंगेज का ये ट्रेलर, क्या लग रही है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद इस फिल्म को लेकर ये बात मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि भैया बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री का ये अश्वमेघ घोड़ा वाकई में अकेले ही बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख देगा। तो भाई इन सभी सवालों का जवाब अब मैं आपके सामने रखूंगा इस फिल्म के फाइनल रिएक्शन के माध्यम से, यानी कि ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने चिंगेज के इस ट्रेलर का रिएक्शन रखूं, कि उससे पहले मैं सलूट करना चाहूंगा बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री को इस बात को लेकर कि भैया आप लोगों ने एक बार फिर से ये बात पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेकरों के सामने साबित करके दिखा दी है कि भाई अच्छी फिल्में, बेहतरीन फिल्में, लाजवाब फिल्में केवल बड़े बजट पर ही नहीं बनाई जा सकती है। एक्शन फिल्मों को बनाने के लिए बड़े बजट की ही जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि भैया क्रिएटिव दिमाग की जरूरत पड़ती है मेरे भाई, क्रिएटिव दिमाग की जरूरत। ये बात इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद आप समझ सकते हो मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भाई इस फिल्म का जो टोटल बजट है ना भाई, वो बजट बॉलीवुड के फिल्मों के एक गाने में लगा दिया जाता है भैया, बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों के द्वारा। यानी कि बॉलीवुड में जो बड़ी बड़ी बजट की फिल्में बनती है ना, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ की फिल्में भैया, उनमें जो गाने हमें देखने को मिलते हैं ना, उनका बजट जितना होता है ना भैया, उतने ही बजट पर यह फिल्म बनकर आई है इतने शानदार लेवल पर। यानी इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोग के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म का जो टोटल बजट है वो केवल 5 करोड़ है मेरे भाई। यानी भैया इसमें मेकिंग कॉस्ट भी है और प्रमोशनल कॉस्ट भी है मेरे भाई। तो भाई वाकई में भैया सबसे पहले हम तो तारीफ करना चाहेंगे इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर यानी कि राजेश गांगुली की, जिन्होंने भाई इतने कम बजट पर इतनी शानदार जानदार जबरदस्त एक्शन मूवी बनाकर दिखा दिए मेरे भाई इंडियन ऑडियंस के लिए। यानी कि भैया आज इस फिल्म का ट्रेलर जब हम लोग के सामने आया तो यह बात साफ हो गई है कि राजेश गांगुली का नाम बहुत जल्दी ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में गूंजने वाला है उनकी आने वाली इस फिल्म को लेकर। यानी कि उन्होंने जो ये कारनामा किया है इसकी तारीफ आज हर कोई करेगा। और वैसे भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों ने आपको दी है कि भाई इस फिल्म की कहानी को बॉलीवुड के बेहतरीन राइटर डायरेक्टर में से एक यानी कि भैया नीरज पांडे ने लिखा है। और भाई नीरज पांडे के साथ ही मिलकर भैया राजेश गांगुली ने इस फिल्म के डायलॉग और स्क्रीन प्ले को तैयार किया है मेरे भाई इन दोनों ने मिलकर ये कारनामा किया है। तो भाई आप समझ लो कि ये फिल्म कितने जबरदस्त लेवल पर बनी होगी। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की, अब चलिए हम लोग बात करते भैया चिंगेज की। तो दोस्तों वाकई में चिंगेज का ये ट्रेलर है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। यानी कि भैया इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं ये बात आप लोगों से गारंटी से कह सकता हूं कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद आपको ये फील नहीं आएगा कि भैया ये फिल्म केवल मॉन्स्टर के दीवानों के लिए बनाई गई है। इस फिल्म को देखने के बाद आपको ये फील भी नहीं आएगा कि भैया ये फिल्म केवल गैंगस्टर के दीवानों के लिए बनाई गई है। यानी कि भैया इस फिल्म में वो हर मसाला है जो कि भाई आप एक अच्छी फिल्म में देखना पसंद करते हुए। आपको वो धर्मेंद्र साहब का डायलॉग याद है ना कि भैया इस फिल्म में कॉमेडी है, रोमांस है, ड्रामा है, एक्शन है, ट्रेजेडी है। यानी कि भैया इस फिल्म में वो हर एलिमेंट है जो कि भैया आप किसी फिल्म में देखना चाहते हो। यानी कि भाई जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो भैया शुरू शुरू में आपको क्या देखने को मिलता है, तो भैया ये कहानी हमें बताने की कोशिश की जाती है। इस फिल्म की कहानी जो शुरू होती है वो शुरू होती है 1970 में, जब बंगाल में कई सारे गैंगस्टर हुआ करते थे। लेकिन भैया वो गैंगस्टर इतने खूंखार, इतने खतरनाक नहीं होते थे कि जो भी अपने खूंखार अवतार के माध्यम से, अपने गैंगस्टर वाले कर्मों के माध्यम से कोई इतिहास रच दे। यानी कि उस जमाने में कई सारे किंग होते थे, कई सारे गैंगस्टर होते थे, लेकिन भैया उन सभी में एक
केवल चिंगेज था जिसने इतिहास लिखा अपने गैंगस्टर वाले कारनामों के माध्यम से। यानी इस तरह से इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने चालू होता है, उसके बाद चिंगेज के बारे में थोड़ी सी ये जानकारी देने की कोशिश की जाती है कि भैया उसने अपनी जर्नी का शुरुआत कैसे किया, यानी कि भाई उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ये बात बताई जाती है इस ट्रेलर के माध्यम से कि भैया उनके पिता जो थे वो पुलिस वाले थे और उनके मामा जो है वो भी पुलिस वाले हैं। तो भैया बाप पुलिस वाला, मामा पुलिस वाला, तो भैया भगना या फिर कहे भैया बाप का बेटा पुलिस वाला ही बनेगा ना। लेकिन वो ना तो अपने पिता के राह पर चलते और ना ही अपने मामा के राह पर चलते, यानी भैया वो चलता है जुर्म की दुनिया में और जुर्म की दुनिया में एंट्री मारकर वो बन जाता है जुर्म की दुनिया का असली चिंगेज, जिससे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। यानी भैया इस तरह से इस फिल्म की कहानी हम लोगों के सामने खोलने की कोशिश की जाती है इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से। देन उसके बाद भैया इस फिल्म में ये बात भी हमें दिखाने की कोशिश की जाती है कि भैया कैसे एक पुलिस वाले का मुकाबला हो रहा है इस फिल्म में, जो कि भैया पुलिस वाले को यह बात कहता नजर आ रहा है एक जबरदस्त डायलॉग के माध्यम से, कोलकाता शहर की ठंड गर्मी बरसात सब मेरे इशारे पर चलती है ईसीडीसी साहब। यानी कि भैया ये कोलकाता का एक ऐसा गैंगस्टर है कि जिसके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है और पंछी जो है वो एक पर फड़फड़ा कर उड़ भी नहीं सकता और एक पर से अपना पिछवाड़ा भी नहीं धो सकता है मेरे भाई। यानी कि भैया ये गैंगस्टर इतना खतरनाक है, यानी कि भाई ये जुर्म की दुनिया का एक ऐसा अश्वमेध घोड़ा है जिसे कुछ लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते हैं कि वो जिसे अपना अश्वमेध का घोड़ा समझ रहे हैं वही अश्वमेध का घोड़ा एक दिन उनके सर पर चढ़ बैठेगा और उनका बादशाह बन जाएगा। तो दोस्तों वाकई में चिंगेज का ये ट्रेलर है बहुत ही शानदार और इस ट्रेलर के माध्यम से बात क्लियर की जा चुकी है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर भैया दबंग खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान को बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही कड़ा मुकाबला देने वाली है मेरे भाई। यानी भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी ऑलरेडी हम लोग के सामने आई है कि भैया ये फिल्म जो है वो ईद के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी सीधा सीधे सलमान खान की फिल्म के सामने। तो दोस्तों आज ये जो ट्रेलर हम लोग के सामने आया ना, इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि भैया हाँ जहां भी ये फिल्म सिनेमा घरों में लगेगी इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस जरूर जाएगी, क्योंकि भैया आज से इस फिल्म को लेकर गर्माहट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगा जब इस फिल्म को लेकर ये बात कही जाएगी कि भैया ये फिल्म वाकई में सलमान खान को मुकाबला दे सकती है बॉक्स ऑफिस पर। तो भैया इस बात को सुनते ही दबंग खान के दीवाने जो है वो बिदक जाएंगे इस बात को लेकर कि भैया कैसे बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री का ये सुपरस्टार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल मेगा स्टार को मुकाबला दे सकता है मेरे भाई। तो दोस्तों ये मुकाबला होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, इस बात के संकेत आज इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से हम सभी को मिल चुका है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस ट्रेलर से जुड़े हुए अच्छे अच्छे बातों की, अब चलिए थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं इस फिल्म की कमजोरियों की, क्योंकि भैया कुछ कमजोरियां इस फिल्म के ट्रेलर में हमें देखने को मिली है जिस पर भाई कुछ लोग आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे होंगे कि भाई ये तीसरा KGF है तीसरा। यानी कि भैया जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो शुरू में ही आपको ये आभास होगा कि भैया इसका जो पिचिंग है, स्टोरी लाइन का जो पिचिंग है वो कुछ कुछ KGF के चैप्टर 1 और KGF के चैप्टर 2 की तरह है। यानी कि भैया ये कहानी आपको नैरेटिव बिट में सुनने को मिलेगी जब भैया चिंगेज के मामा आपको ये कहानी बताते नजर आएंगे कि कैसे चिंगेज बन गया मेरे भाई, कैसे चिंगेज बन गया। और वहीं से भाई ऐसा इंटीमेट लग रहा है कि भैया ये KGF का नया वर्जन तो नहीं है, क्योंकि भैया हाल फिलहाल में एक KGF का सस्ता वर्जन आया था कब्जा, जिसको देखने के बाद ऑडियंस ये बात कह रही थी कि भैया ये कब्जा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर कब्जा नहीं कर पाएगी। तो भाई आज जब ये ट्रेलर हम लोग के सामने कुछ इस तरह से रखा गया है तो भैया फीलिंग तो कुछ कुछ मॉन्स्टर वाली आ रही है, लेकिन भैया दिल से अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो हम आप लोग से कहेंगे भैया थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रहा है लेकिन पूरा तो नहीं है मेरे भाई। यानी कि भैया ये फिल्म KGF के चैप्टर 1 KGF के चैप्टर 2 से डिफरेंट होने वाली है और इवन कब्जा से भी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि भाई कुछ लोग इस फिल्म को लेकर ये हवा बनाना शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको चिंगेज का ये ट्रेलर कैसा लगा, आपको क्या लगता है बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री का ये अश्वमेध घोड़ा बॉक्स ऑफिस पर बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री का परचम लहराने में कामयाब होगा कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।